हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, फाइनली मुझे मिल चुका है कक्षा 12वीं का विषय समाजशास्त्र का पेपर जो आपका सेट ए है, जो आपको 22 सितंबर को जो पेपर होने जा रहा है। तो उसका संपूर्ण सॉल्यूशन मुझे मिल चुका है, पेपर भी मिल चुका है। तो ये पेपर मुझे अभी हाल में एक जन ने स्कूल से निकाल के भेजा है, मतलब फोटो निकाल के भेजिए, तो आप लोग देख सकते हो। ये संपूर्ण सॉल्यूशन मेरे साथ आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग वहाँ पर जाएंगे तो आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, आप लोग कर सकें। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर पेपर समझ के जाएंगे, वहाँ पर जाएंगे तो आप लोग सरल लगेगा पूरा पेपर, आप लोग कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला लगा सामने सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपके 6 नंबर रहेंगे। पहला लगा जनसंख्या संबंधित दर तात्पर्य का दर का तात्पर्य क्या है, तो इसमें लोगों के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर रही, ये ऑप्शन सही है। दूसरा, परंपरागत भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का बुनियादी आधार क्या रहा है, तो दूसरे का हो जाएगा आपके सामने बी वाला, जाति। अगला सामने तीसरा, जिसमें लगा भारत में राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावशाली बनाने वाली संस्था का नाम लिखिए, तो तीसरे का हो जाएगा बी, सॉरी तीसरे का हो जाएगा डी, भारत का संविधान। चौथा लगा उदारीकरण के प्रभाव से भारत में विदेशी कंपनियों ने किस तरह की खेती को प्रोत्साहित दिया है, तो चौथे को हो जाएगा बी वाला सही है, संविदा खेती पर। ठीक, पाँचवा है, बीड़ी उद्योग में लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है, तो पाँचवा में हो जाएगा आपके सामने ए ऑप्शन, कौन सा ए ऑप्शन सही है, उद्योग मालिक को। छठवा है, डी इंडियन व्यूमेन मूवमेंट के लिए कहा, तो छठवीं का हो जाएगा ए, छठवीं का हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें लिखा है मेथिती चौधरी, ए ऑप्शन है। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 6 नंबर के आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। बढ़ते नेक्स्ट हो, नेक्स्ट आप लोग सामने रिक्त स्थान को पूरे कीजिए, जो आपके 7 नंबर में रहेंगे। चलिए, पहले का भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या स्तर प्राप्त करने का लक्ष्य है तब तक, तो इसमें लगोगे आप लोग रिक्त स्थान में 2045 जनसंख्या। ठीक, दूसरा है, उत्तर और दक्षिण भारत में नातेदारी संख्या के अंतर को विस्तार, तो आप लोग ईरावती करवे, ईरावती करवे। ठीक, तीसरा है, हेतु संसदीय और राज्य विधानसभाओं में स्थान आरक्षित करने वाले अलावा इसके जरूरता होता है, तीसरी मुझे महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। चौथा है, नागरिक समाज उस व्यापक कार्य क्षेत्र को कहते हैं जो परिवार के परे होते हैं, तो चौथे में निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र। पांचवा, भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना सन में हुई थी, तो कौन सन में हुई थी, तो लोगों के 1963 में। अगला सामने छठवा, छोटी कंपनियों को बड़ी कंपनियों को कार्य प्राप्त करने के लिए करनी होती है, तो क्या करनी होती है, तो इसमें हम लोग हुए स्पर्धा, स्पर्धा। सातवां देखते हैं, नर्मदा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला का नाम क्या था, तो लोग हुए मेधा पाटकर, मेधा पाटेकर, पाटेकर। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सामने आ पाए पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन हो जाता है। बढ़ते नेक्स्ट हो, नेक्स्ट आप लोग सामने सही जुड़ी मिलाइए। ठीक, चलिए हम सही जुड़ी मिलाते हैं आप लोग सामने यहाँ पर। तो पहला लगा लोग सामने सामाजिक संस्था, तो इसका मिला गया लोग किससे, विवाह से, गलत मिला दिया। दूसरा, समान वेतन वाला, तो इसका लोग 1979। तीसरा, डी पी मुखर्जी, तीसरे का मिला हुआ नव माध्यम वर्ग, तीसरे का नाम नव माध्यम वर्ग। चौथा, उदारीकरण, चौथे का हो जाएगा प्रभु सी वाले। पांचवा, गोरा देवी, यहाँ पर हो जाए पाँचवा गोरा देवी का हो जाएगा क्या, पांचवा का हो जाएगा चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन। और छठवें का हो जाएगा नक्सली, छठवें का हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से आप सामने यहाँ पर पूरा कंप्यूटर सही जुड़ी हो जाती है। मिल इसके आगे देखते हैं हम लोग एक शब्द एक वाक्य उत्तर। तो पहला लगा आप लोग सामने यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना हमें। तो पहला लगा है, प्रति हजार पुरुषों परिस्थितियों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो लोग लिंगानुपातिक, लिंगानुपात। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा लगा जाति व्यवस्था का सबसे कठोर नियम कौन सा है, तो लोग अंतर व्यवहार,
अंता विवाह। ठीक, चलिए तीसरा देख लो, एक मिनट, तीसरा वाले देख रहे हम। जी रहा आप सामने तीसरा, तीसरे का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है तो बताइए, प्रति आठ वर्ष मार्च को, नहीं प्रति वर्ष आठ मार्च को, आठ मार्च। ओके, चौदह है, केंद्रीय वर्क बोर्ड गठन किस समुदाय के हितों के लिए किया? तो छात्रों, इस पेपर का पीडीएफ और इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ मैं अपने मोबाइल में आपको डाउनलोड करके दिखा दे रहा हूं, ताकि आप भी अपने मोबाइल में इसी प्रकार से डाउनलोड कर पाएं। तो सबसे पहले छात्रों, आपको करना क्या होगा, गूगल क्रोम को ओपन करना होगा। यहां पे आप देख सकते हैं गूगल क्रोम दिया गया है, यहां पे मैं इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद देखिए छात्रों, यहां पे आपको क्या लिखना होगा, स्टडी नोट्स पीजी आपको लिखना होगा। तो छात्रों ध्यान से आप देखिएगा, स्पेलिंग स्टडी नोट्स पीजी, STUDYNOTESPJ। ठीक है, आपको लिखना होगा, अगर स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो नहीं आएगा। अब जैसे आप सर्च करेंगे, सबसे पहले नंबर पे आपको दिख जाएगा studynotespj.com। ठीक है, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा studynotespj.com, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहां पे दिया गया है नंबर वन प्लेटफॉर्म एमबी बोर्ड के लिए, ये बनाया गया। देखिए ऊपर आ रहा है, ये नंबर वन प्लेटफॉर्म है आपके एमबी बोर्ड के लिए। अब आप जैसे नीचे आएंगे तो छात्रों, यहां पे आपको अपना एमबी बोर्ड ढूंढना है। जॉब बाय क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आपको एमबी बोर्ड वाला सेक्शन मिल जाएगा, तो इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो छात्रों, यहां पे ध्यान पूर्वक देखिएगा, मध्य प्रदेश बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा असली पेपर हल सहित, मतलब कि यहां पे मैं आपको पेपर भी दूंगा, साथ में पेपर का पीडीएफ हल सहित प्रोवाइड कराऊंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो छात्रों, यहां पे देखिए, आप समझने वाली बात यह होगी कि यहां पे सभी क्लासों के पेपर एक ही तालिका में दिए गए हैं। अब ध्यान से आप इस तालिका को समझना, तभी आप पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे। तो छात्रों, नौवीं और दसवीं के जो सब्जेक्ट है वो इस साइड दिए गए, हिंदी, देखिए विज्ञान, ठीक है, और देखिए ग्यारहवीं और बारहवीं के जो सब्जेक्ट है वो इस साइड दिए गए, हिंदी, रसायन शास्त्र। तो आप जिस भी क्लास में है उस क्लास के सब्जेक्ट के सामने आपका यहाँ पे सेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए छात्रों, अभी हम कक्षा नौवीं का यहाँ पे विज्ञान का दिखा दे रहे हैं, लेकिन सेम प्रोसेस सभी क्लास के सभी सब्जेक्ट के लिए रहेगी, तो आपको इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का करना है। तो छात्रों देखिए, हमें नौवीं का विज्ञान का करना है, तो देखिए यहाँ पे नौवीं का विज्ञान दिया गया, अगर दसवीं का करना होगा तो दसवीं का विज्ञान दिया गया। ठीक है, तो हम नौवीं के विज्ञान के सेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए एक ऐड आएगी, इसको आपको क्लोज कर देना होगा। इसको क्लोज करने के बाद छात्रों, यहाँ पे देखिए एकदम असली पेपर आपका देखने आपको मिल जाएगा। देखिए आप, पूरा का पूरा असली पेपर है जो कि आपका यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ से आप पेपर का जो है संपूर्ण पीडीएफ कुछ इस प्रकार से देखिए, इसको प्रेस करके रखेंगे तो डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, तो इस इमेज को आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने यहाँ पे फोन में इसको डाउनलोड कर पाएंगे। वहीं अगर आपको सॉल्यूशन को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए छात्रों, यहाँ पर देखिए टाइमर चल रहा है। ठीक है, एक टाइमर जैसे ही समाप्त होगा तो एक हरी कलर का डाउनलोड का बटन दिखेगा, यहाँ पर देखिए हरी कलर का डाउनलोड का बटन आपको दिख रहा होगा। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए जीमेल चूज करने के लिए बोलेगा, तो मैं यहाँ जीमेल अपना चूज कर लेता हूँ। तो छात्रों, यहाँ पर मैंने अपना जीमेल चूज कर लिया, देखिए सॉल्यूशन हमारे यहाँ से डाउनलोड हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप पेपर की वीडियो में सॉल्यूशन को डाउनलोड कर लेंगे। मुस्लिम समुदाय के लिए। पांचवा है, प्रबल जाति की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो लिखोगे M.N. श्रीनिवास। छठवां है, भारत में प्रथम आधुनिक उद्योग क्या थे? तो लिखोगे क्या थे, रुई, जूट, कोयला। लिखोगे रुई, जूट, कोला आदि। ठीक, सातवां है, पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन भारत के किस राज्य में होगा? तो लोग केरल। ओके, चलिए अगला आप सामने सदस्य की पहचान कीजिए। तो पहले लगा है, जीव की दृष्टि से पुरुष और स्त्री असमान है? तो लोग सत्य। दूसरा, ग्रामीण समाज में कृषि भूमि ग्रामीणों की संपत्ति और आजीविका का मुख्य आधार है? तो लोग सत्य। तीसरा, अहिर, जाट, गुज्जर राजपूत प्रभु जाति के कैसे वर्ग हैं? तो असत्य। चौदह, महिला देखभाल एवं पालन पोषण के क्षेत्र के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है? तो हो जाएगा सत्य। काम की पूरी दशाएं हड़ताल को जन्म देती हैं? तो हो जाएगा सत्य। छठवां, झारखंड आंदोलन का संचालक भारत भील जनजातियों द्वारा किया गया? तो हो जाएगा असत। तो इस प्रकार से आपको सामने यहाँ पर मैंने सत असत आपके पूरे काम लिख करा दिए हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट और नेक्स्ट आपको सामने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जो आप देख सकते हो, ये सारे के सारे दो दो नंबर में, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आप देख सकते हो, इन सभी क्वेश्चन को आपको सीख के जाना, आपको अपने बुक से याद करना है। चलिए फिर भी आप लोगों के पास कुछ नहीं है, आपने याद नहीं किया है, तो इन सभी के आंसर भी मैं आपको सामने बताऊँगा। पहले आप क्वेश्चन को देख लें, तो ये भी प्रश्न दिए गए हैं, देखो ठीक है, पूरे प्रश्न आपको सामने यहाँ तक हो जाते हैं। 21 प्रश्न रहेंगे जो यहाँ पर लास्ट में आपके चार चार नंबर, तीन तीन नंबर के रहेंगे। अब इन्हीं सभी क्वेश्चन के आंसर मैं इसी वीडियो चैनल पर डालूंगा, इसलिए आप लोगों से निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जो इनका सभी का आंसर डालूंगा तो आपको उनका पूरा का नोटिफिकेशन पहुँचेगा और आप लोग पूरा वीडियो देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।